192 से बात कर रही हूँ। स्टाफ पलवन तकरीबन 17 साल से ये तकसीम कर रही राशन ने, ये कारपोरेटर भी नहीं थे उसे तब से कर रही। इंशाल्लाह आइंदा साल भी ऐसा करेंगे, मेहरबानी बहुत है इनके ऊपर, दुआएं बहुत ही इनके ऊपर, अल्लाह सलामत रखे करके बोले तो। उनका वार्ड 92 से इतना ताल्लुक है, इतना जुड़ गया है उनका रिश्ता जिसकी कोई हद नहीं है, बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है। हमने बहुत साथ दिए ना, बहुत परेशानी में था लॉकडाउन में, सभी हमें लोग बकरीद की भी राशन अच्छा दिए, रमजान में भी दिए, क्या अभी अल्लाह के फजल से अच्छे से अच्छा खा लो कहीं भी। शिवाजीनगर की अवाम को रमजान के महीने में राहत। कर्नाटका में बेंगलुरु सिटी के शिवाजीनगर की अवाम के लिए इश्तियाक अहमद ने आज 3000 घरों के लिए रेशन किट की तकसीमात की। पिछले 15 सालों से हर साल रमज़ान के मुकद्दस महीने में इश्तियाक अहमद हर घर के लिए रेशन किट का इंतज़ाम करते चले आ रहे हैं, जिससे पूरे महीने का गुजारा आसानी के साथ हो जाता है। अलावा ईद के पहले ईद मनाने के लिए भी इश्तियाक अहमद अलग से रेशन किट घर घर पहुंचाते। से राशन दे रही, 25 किलो चावल और 10 किलो शक्कर, 5 लीटर तेल और बहुत से चीज़ों से इन्हों बहुत मदद करती हैं हम ना, और आगे भी बकरीद में देती हैं, इसमें सब देती हैं। और अच्छा, क्या बोलना चाहती हैं माँ? भैया कुछ तक भैया की हयाती की दराजी करें, जो चांद सूरज की उनको हयाती अता फरमा दे, हर हर मेडिसिन को भी नकाम आती, जो कुछ हमें मदद मांग सकती नो कर सकती हूँ। ना स्टॉक बुलाने 15 साल से राशन दे लोग, तो इतना 25 किलो चावल, 5 लीटर तेल, शक्कर, आटा, पंचखजूर, हर एक चीज़ दे लोग, उनके इशारे पर हमें क्या होना करती, अल्लाह के फजल से आज तक दे लोग कोसा कौंसलर भी दिया नहीं, वार्ड नंबर 92 स्टॉक बुलान कौंसलर हमारे जो एरिया के ही पूरा अच्छा से अच्छा दे रही, आज तक हमारा कौन भी ऐसा दिए नहीं, लॉकडाउन में भी दिए, हमारा बीमारी को भी दिए, तबियत को भी दिए, ऐसा कोसा नेता भी दिया नहीं, हमने ऐसा बलवान दिया। यहाँ पर इश्ताक भैया 15 साल से राशन दे रही और जो भी राशन दे रही वो पूरा महीना हो जाता, तेल देती,
चावल देती, शक्कर देती और बहुत से चीज़ें और देती हैं जो रमज़ान में रोज़े रखने कैसे रोज़े रोज़ेदारों को बहुत मदद होती है और वो राशन से पूरा महीना गुजर जाता है आराम से। अस्सलामुअलैकुम, कर्नाटका के सारे मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबको इस रमज़ान आराम से और अच्छे तरीके से गुजरने की दुआ करता हूँ। 3,000 किट्स का हमने बंदोबस्त किया है, 25 के जी चावल, 10 किलो आटा, 4 किलो 5 किलो तेल, 5 किलो शक्कर, गरम मसाला, चाय पत्ती, जो ज़रूरत की चीज़ें, खजूर एक बॉक्स। हमने इतना 3,000 लोगों के लिए हमारे मोहल्ले के, खासकर मेरे वार्ड और मेरे वार्ड के थोड़े आजू बाजू वालों के लिए मैंने इंतजाम किया है। यानी कि रमज़ान की पूरा महीना जो है पूरा महीना चल रहा है। हाँ, रमज़ान का पूरा महीना चले जैसा, और आखिरी दिन चांद देख कर जाम लगाएंगे तो उनको 1,000 रुपये कैश भी देता हूँ, उसके ऊपर बिरयानी मीठा बनाने का सौदा भी देता हूँ, दूध घी चावल जीरे का सामान सब वो टेम्पल। सर, हर साल की तरह आपके पास कोई यहाँ के लोगों का जो निज़ाम है, जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं ये 15 साल से कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कौन किस किस को ज़रूरत है। कोई मेरे पास आके नहीं मांगता, मैं खुद उनके जाकर उनके घर पे देके आता हूँ। 3,000 फीट से क्या आज ही तकसीम कर? नहीं हुई ना, आज नहीं होता सर, कम से कम आज होता है, सभा भी होता और शायद परसों भी होगा, 3-4 दिन होता, 2 दिन तो पक्का, 3 दिन में इंशाल्लाह ख़त्म करना होगा। सर, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से लोग जो है मस्जिद को नहीं जा रहे थे, नमाज़ें घर में पढ़ रहे थे, तरावी भी घर में पढ़ रहे थे, तो इस साल जो है मस्जिद को जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर, क्या कहना चाहिए? अल्लाह डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़र आदमियाँ जो रमज़ान में भी नमाज़ों को कदर नहीं करते थे उनके वास्ते वो दिखाया, सब भाइयों को अल्लाह फिर मौका दिया है, सब क्या कर नमाज़ें पढ़े, तरावी पढ़े और रमज़ान के हकूक अदा करें, इससे क्या खुशी की बात है। हाँ, जब जो चीज़ हाथ में नहीं रहती तब भी तो उसकी कदर आती है। 2 साल हम लोग मस्जिदों बंद थे, आज हम लोग इस मस्जिदों की कदर है, तो मैं सब मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ जाकर मस्जिदों में नमाज़ पढ़े, मस्जिद आबाद करें। शुक्रिया।